जी हाँ, नमस्कार साथियों, एक और बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम राजस्थान में इस बार मानसून का दौर कम होने के कारण पड़े अकाल के मुआवजे को लेकर एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक महाआंदोलन का रूप ले लिया है किसानों के मुआवजे को लेकर। आपको बता दें कि ये आंदोलन बाड़मेर जिले में कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया भारतीय किसान संघ अध्यक्ष हरिराम जी द्वारा। किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक महाआंदोलन का रूप ले लिया है, इसे किसानों सड़कों पर उतर आए और एक रोध रूप धरने लगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ अध्यक्ष हरिराम जी का कहना है कि यह आंदोलन इसलिए किया जा रहा है सरकार किसानों का उत्पादन उचित मूल्य पर खरीदे, समर्थन मूल्य पर खरीदे या बाजार में किसी भी प्रकार से लाभकारी मूल्य पर खरीदे। अगर समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर खरीदता है तो उसे अपराध घोषित कर दिया जाएगा और किसानों को लाभ का मूल्य दिया जाए, नहीं तो हम प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजते हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि आज हम इस अकाल के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रमुख मांगे रखी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इस समय पशुधन चारा की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, फसलें खराब हो चुकी है। और इसके द्वारा आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि जो बीमा कंपनी के द्वारा सैटेलाइट से सर्वे किया गया उन्हें कैंसिल कर दे और धरातल पर आकर सर्वे करे, जिससे किसानों को सर्वे का उचित मूल्य मिल सके। और आपको बता दें कि उन्होंने ये प्रमुख मांगे और बताई है। उन्होंने बताया कि SB बैंकों में जो हमारा बीमा नहीं हो रहा है, 4 साल पहले करीब कराया गया, वो भी कैंसिल कर दिया है। किसानों को अब तक उसका क्लेम नहीं मिला है, वो क्लेम भी दिया जाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान अध्यक्ष हरिराम जी के इन द्वारा प्रमुख मांगे मांग कर एक महाआंदोलन का रूप लिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बाड़मेर जिले में इस वक्त सबसे बड़ी खबर मिली है कि ये किसानों के द्वारा मुआवजे की मांग कर दी गई है, जिससे आपको बता दें कि भारतीय किसान हरिराम अध्यक्ष जी का कहना है कि 25% क्लेम दिया जाएगा। सो दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद आगे आंदोलन जारी है। सो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।